अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज संडे है, हमें छुट्टी है, तो आज हमने साफ करनी है अपनी छत की प्लेटें। इब्राहिम गया हुआ है। इब्राहिम, कपड़ा है ना ऊपर? कपड़ा है, मैंने पानी लेकर जाना है। तो मैंने लेकर जाना है पानी। ये देखें, बाल्टी हमारी भर चुकी है। ये पानी लेकर चलते हैं। प्लेटों के ऊपर डालेंगे पानी, उनको अच्छी तरह साफ करेंगे। काफ़ी देर पहले हमने साफ किया था, काफ़ी गंदी हैं प्लेटें, तो उनको अच्छी तरह साफ करेंगे। फिर जो सूरज की रोशनी होगी ना, वो अच्छी तरह आया करेगी प्लेटों पर और प्लेटें अच्छा काम किया करेंगी। तो अब मैं ये बाल्टी लेकर चलता हूँ छत के ऊपर। पहले बारिश वगैरह हमारे बहुत हो रही थी, तो प्लेटें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब काफ़ी देर हो गया कि बारिश हुई नहीं है, इस वजह से हमारी प्लेटें काफ़ी गंदी हैं। तो अभी छत पर पहुँच चुका हूँ और इब्राहिम ने साफ़ करनी शुरू की हुई हैं प्लेटें। इब्राहिम कितनी साफ़ कर दी है? ये देखें जी, इतनी साफ़ कर दी है इसने, चमकना शुरू हो गई है। और बाकी देखें जी, हमारी प्लेटें कितनी गंदी हैं। पहले हमारे यहाँ ना बारिश होती रहती थी, हमें प्लेटें साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक महीने बाद तो लाजमी होती थी ना, तो बारिश का जब पानी पड़ता था प्लेटों के ऊपर, प्लेटें खुद ही साफ़ हो जाती थी। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है कि बारिश हुई नहीं है, इस वजह से हम इनको खुद साफ़ करने लगे हैं। पानी के साथ इनको अच्छी तरह साफ़ करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी प्लेटें अच्छा काम करेंगी। इब्राहिम, ऐसे करो, एक डब्बा ले कर आओ, फिर डब्बे के साथ पानी डालेंगे, फिर जल्दी साफ़ हो जाएंगी। ऐसे देर लगनी है कपड़े के साथ। ये जी इब्राहिम डब्बा ले आया है, चलो लाओ पकड़ाओ मुझे, अब जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। इन दोनों प्लेटों के ऊपर मैंने कपड़ा लगाया है, और ये लास्ट प्लेट है ना, इसके ऊपर इब्राहिम लगा रहा है। इनको अच्छी तरह साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर इन प्लेटों को साफ़ करना है। अभी इनके ऊपर मैंने पानी दोबारा डालना है। देखें, अभी मैंने कपड़ा लगाया है, फिर देखें कैसी शक्ल हो गई है। अभी मिट्टी ना अच्छी तरह निकली नहीं है इसके अंदर से, अभी मिट्टी अच्छी तरह साफ़ नहीं हुई, इसको अच्छी तरह साफ़ करते हैं। ऊपर से पानी डालेंगे ना तो नीचे तक आएगा। फिर पानी की बाल्टी ख़त्म हो गई है, अभी दूसरी पानी की बाल्टी लेकर पहुंच गया हूँ छत के ऊपर। अब दोबारा पानी डालते हैं प्लेटों के ऊपर। पहले भी देखें हमने पानी डाला था, लेकिन पानी खुश्क हुआ है, मिट्टी देखें साथ ही जम गई है। ये देखें, अब दोबारा हम पानी डालते हैं और इसको साफ़ करते हैं। पहले ऐसे करते हैं कि इस कपड़े के साथ ना ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद पानी डालेंगे इनके ऊपर। चलिए जी, इब्राहिम नीचे वाली प्लेट सबसे पहले साफ़ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से ये तीनों प्लेटें अच्छी तरह साफ़ हो गई हैं, और अब इनकी बारी है। ये वाली प्लेट इब्राहिम ने साफ़ की है। इब्राहिम कैसी लग रही हैं ये वाली प्लेटें? अब न्यू ली हैं, ऐसे लगता है। पहली तीन प्लेटें तो अच्छी तरह चमक रही हैं, ये अभी रहती हैं थोड़ी सी साफ़ करने वाली। अब पहले इसके ऊपर ना पानी मैं डालता हूँ। आप कपड़ा फेरो, तब तक मैं ना पानी लेके आता हूँ बाल्टी में, ठीक है? इब्राहिम कपड़ा लगाता है, तब तक मैं पानी लेकर आता हूँ। फिर ये प्लेटें हमने अच्छी तरह साफ़ करनी है, बस यही रहती हैं करने वाली। ये तीनों तो बिल्कुल अच्छी तरह हो गई हैं, चमकने लग गई हैं हीरे की तरह। चलिए जी लेकर चलते हैं, बस ये आखिरी बाल्टी है हमारी। पानी लगा दिया है, अब इनके ऊपर कपड़ा फेरते हैं, फिर ये तीनों के प्लेटें भी अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगी। प्लेटों के नीचे कुछ ऐसी जगह हो गई है, पानी इधर खड़ा हो गया, क्योंकि ऊपर से हमने पानी डाला है ना, तो फिर इधर नीचे से आके खड़ा हो गया। ये देखें, अभी जी किचन में आ गया हूँ, आज देखते हैं कि क्या पका हुआ है। इधर है जी चावल, और ये कबाब बन रहे हैं गर्मा गर्म। इब्राहिम ने खाना भी शुरू कर दिया है। इब्राहिम क्या खा रहे हो? चावल। अपने लिए चावल डालते हैं गर्मा गर्म। और एक आ गया जी हमारे साथ कबाब, चटनी डालते हैं चावलों के ऊपर। मुझे कबाब ना ये बहुत ही पसंद है, गोश्त बेशी ना हो, लेकिन अगर कबाब ना हो ना, फिर मुझे लगता है ऐसे कि मैं सूखे चावल खा रहा हूँ। अभी मैं चेक करता हूँ खाके कि कैसे चावल हैं। अभी इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं, सिर्फ 4 मिनट रहते हैं। देखें सामने, इस वक्त अपने लोड को सोलर पैनल से वापदा पर कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त ना सूरज की रोशनी बहुत कम हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये देखें, अब ना बैटरी से कभी कभी करंट जा रहा है, अब डायरेक्ट सोलर से नहीं आ रहा, तो इसलिए ना इस वक्त हम बंद कर देते हैं। तो अब मैं ना करता हूँ इसको बंद, इधर से मैंने बंद करना है। जैसे मैंने बटन दबाना है, और इधर देखिएगा आपको नज़र आएगा कि प्लेटों से करंट वापडा पर चला गया है। ये देखें, ये ऑप्शन आ गया है, और आप इधर से करंट ना इधर चला जाएगा, देखिएगा अभी।
ये देखें अब डायरेक्ट टर्न जाने लग पड़ा है, ये वापडा पर अब हो गया शिफ्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम एक नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।